आप लोगों को अच्छे से पता है मेरे पास टीवीएस की बाइक है और टीवीएस की स्कूटी भी है एंटॉर्क। अब आपकी मर्जी, आप खरीदो ना खरीदो, बट मैं कभी जिंदगी में टीवीएस के प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। इनके पास बाइक बेचने के लिए, स्कूटी बेचने के लिए ना बहुत सारे रीजन रहते हैं कि हमारी स्कूटी में ये है वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है फलाना है ढिमकाना है। सबको बोलना चाहूँगा, जो भी टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या खरीदने की सोच रहा है, दिवाली का मौका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो सुबह सुबह जिम जाने के लिए रेडी हूँ। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैंने घर के अंदर से नहीं की, बाहर से कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे। फिर ऊपर से ना ऐसे ही पहले मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, फिर सोचा चलो बना लेते हैं। तो मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा, अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं जिम, लेकिन उससे पहले अंकल जी आ रहे हैं, दूध की बात कर लेते हैं। दूध नहीं आ पा रहा है, पैकेट ही खरीदते खरीदते परेशान हो गए। दूध का क्या हुआ आपका? हाँ अभी ये हुआ नहीं, पछड़ी है ना खिलाने के लिए। अच्छा दो भी आई है। हाँ हाँ तो इस बार उनको पहुँच नहीं रहा ना जो डर। अच्छा अच्छा पहुँचाएंगे आप। अब अंकल जी बोल रहे हैं उनकी गाय ने ना दो बच्चे दिए हैं, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही दूध की, पहले उन्हें पूर्ति होगी उसके बाद देंगे। तो एक चलो, मैं रात में जब आता हूँ ना तो ये चिल्लाता है, अभी तो शांत है सुबह सुबह। ओस कितनी ज़्यादा हो रखी है बाइक के ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग बाइक की कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। पूरी मिट्टी मिट्टी में हो रखी है, देखो बहुत ज़्यादा। और ऊपर से लीवर देखो टूटा हुआ लगा हुआ है अभी अभी मैंने इसे चेंज नहीं कराया, मैंने ऑर्डर किया था आ गया होगा। तो आज अपनी बाइक को ना पूरा चमका देंगे, क्योंकि आज तक इतनी गंदी ना कभी नहीं रही। तो अभी चलते हैं फटाफट से जिम, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है सच में। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं जिम, और आज हम लगाने वाले हैं अपना लेग्स का वर्कआउट तगड़ा सा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाई। तो ये चेक करें आप, अपनी डाइट का ठिकाना हमने यहीं पे कर दिया है, ये अपने अंडे और अपना इंडक्शन, और यहीं पे हम अपने अंडे बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो मैं जिम में ही रहता हूँ, तो मेरी डाइट पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से अपना इंडक्शन उठा के ही ले आया, जब मर्जी होती है बॉयल किए खाया, तभी डाइट पूरी हो पाएगी। एक चीज़ और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि अपना प्री वर्कआउट ख़त्म होने वाला है मसल असाइलम का, जो कि कूड़ा प्री वर्कआउट था। तो मैंने अब फाइनली नया प्री वर्कआउट ले लिया है, तो ये वाला है वो नया प्री वर्कआउट, लेकिन मैंने इसे आज तक यूज़ नहीं किया कभी पहले, तो आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये है साइट्रोन का प्री वर्कआउट। इसके अंदर आपको मिल जाता है 3.2 ग्राम बीटा एलानाइन। ये सब चीज़ें मैं आपको वैसे बाद में बताऊँगा कितने का आता है क्या सीन है, पहले से पी के हम अपना लेग्स का वर्कआउट लगाते हैं। A few moments later. तो गाइस अपना वर्कआउट हो गया है कम्प्लीट, 6 एक्सरसाइज लगाई थी लेग्स की और 2 लगाई चेस्ट की, काफ़ी मज़ा आया। तो अभी प्रोटीन वगैरह पीते हैं और उसके बाद भाई को कराएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज। इनका टाइम है देखो कितना, 9:45 आ रहे, तो इन्हें एक्सरसाइज कराएंगे और उसके बाद देखते हैं बाइक का काम भी कराना। तो एक काम करते हैं, स्कूटी लेके आओ तुम। तो एक काम करते हैं, मेरी बाइक छोड़वा के आ जाओ टीवीएस के शोरूम, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा, एक घंटे में दूध ला के कम्प्लीट कर दे देंगे। तो फाइनली लास्ट टाइम देख लो, ऐसी बुरी लग रही है ना वैसा, इतनी गंदी तो आज तक कभी नहीं हुई मेरी बाइक, देख रहे हो। तो अभी जाते हैं इसे चमका के लेके आते हैं फटाफट से, वहीं छोड़े आऊँगा, जब तक इन्हें एक्सरसाइज कराऊँगा एक घंटे में रेडी होके बाइक मिल जाएगी। हैं 10:30 बजे तक आऊँगा, ठीक है, रेडी कर देना, चमका देना एकदम बढ़िया करके। कितने रुपये का लीवर दिखाना? तो इसका लीवर है 980 रुपये का, देख रहे हो कितना महंगा है। चलो 2 hours later. तो ये खड़ी अपनी बाइक, 10:30 बजे मिलनी चाहिए थी, 11:30 बज चुके हैं। देखो अभी तो धुल पाई है, सूखेगी, पॉलिश होगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी। गजब बेइज्जती है। तो गाइस अपनी बाइक को लेके पहुंच गया हूं मैं एक सुनसान एरिया में, जहां पे मैं खुल के बात कर सकता हूं आप लोगों से अपने टीवीएस के प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों को अच्छे से पता है मेरे पास टीवीएस की बाइक है और टीवीएस की स्कूटी भी है एंटॉर्क। तो जो परेशानियां मैं फेस कर रहा हूं ना काफ़ी टाइम से, वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि वो परेशानियां आप लोगों को ना फेस करनी पड़े। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपनी स्कूटी के बारे में, क्योंकि बाइक के बारे में बाद में बताऊंगा, बट पहले स्कूटी के बारे में बताता हूं। देखो 1 साल हो गया मेरी स्कूटी को लिए हुए, 1 साल में कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार वो ख़राब हो चुकी है। ऐसी वैसी ख़राब नहीं, धोखा दे चुकी है, क्योंकि जब वो बंद होकर खड़ी हो जाती है ना तो वैसा फिर वो स्टार्ट ही नहीं होती। सर्विस सेंटर में जाके ना बंदे को लेके आना पड़ता है, वो जुगाड़ पानी करता है, लेके जाता है सर्विस सेंटर वापस, वहाँ जाके फिर जो भी करता है अपना, उसके बाद 100-150-200 का बिल बना के हमें पकड़ा देता है।
फिर 2 महीने चलती है, फिर खराब हो जाती है। ऐसे करके पिछले 1 साल में 5-6 बार खराब हो चुकी है। अब सबसे मेन चीज पता क्या है, मेन चीज है सर्विस की। इन्हें खुद नहीं पता होता कि इनके प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत क्या है। स्कूटी पहली बार खराब हुई तो उन्होंने बोला प्लग खराब हो गया, दूसरी बार खराब हुई तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है वो खराब हो गया, तीसरी बार बोले बैटरी खराब हो गया, फिर खराब हुई तो करे पेट्रोल का पंप खराब हो गया। अरे भैया कोई एक मतलब दिक्कत तो एक ही आ रही है कि वो स्टार्ट नहीं हो रही है, और रीजन तुम अलग अलग दे रहे हो हर बारी, कभी ये खराब हो गया कभी वो खराब हो गया। अबे स्कूटी है क्या कोई जुगाड़ है भयंकर, कभी भी कोई भी चीज खराब हो जाती है। मतलब सच बता रहा मैं, TVS की सर्विस इतनी घटिया है ना कि बोल नहीं सकता मैं, बहुत ज्यादा घटिया है। अब बात कर लेते हैं अपनी बाइक की। भाई साहब 3.5 लाख की बाइक खरीदी है, समझ रहे हो, और सर्विस के नाम पे इतनी घटिया है ना। मैं पहली बार तो बात कर लेता हूँ, जहाँ सर्विस कराने गया था, जहाँ से मैंने खरीदी थी, तो वहाँ सर्विस कराने गया, पूरे शोरूम के अंदर ना 2 ही लोग रहते हैं जो इस बाइक की सर्विस करते हैं। एक बंदा छुट्टी पे था, दूसरा बंदा किसी और की बाइक सर्विस कर रहा था, और मेरे से बोला उन लोगों ने कि भैया आज छोड़ जाओ कल ले जा लेना। साला एक तो हर जगह इसकी सर्विस नहीं होती, दूसरी ऊपर से आज छोड़ जाओ कल ले जा लेना, मतलब यही काम रह गया कि हमारे पे। चलो वो सब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस अच्छे से हो गई थी। अब आज की बात कर लेते हैं। तो मैं आज अपनी बाइक को, आप लोगों ने देखा ब्लॉग शूट कर रहा था, नॉर्मली बाइक को देख के आया तो उन्होंने बोला 10:30 बजे ले जा लेना, मैं चलो ठीक है 10:30 बजे ले जाऊंगा। केवल लीवर डलवाना था और बाइक को वॉश कराना था। 11:30 बजे पहुंचा था मैं शोरूम के अंदर, फिर भी भाई साहब मैंने आप लोगों को दिखाया कि बाइक धुली जा रही थी। मतलब इनको टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि मतलब बंदे के पास टाइम है नहीं है, किसी को अर्जेंट भी हो सकता है। 2 घंटे में सिर्फ इन्होंने लीवर डाला और बाइक को वॉश किया। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, वॉश भी कुछ घंटा सही से नहीं किया। इधर आया, ये देखो दिखाऊं, यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये दिख रही है पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, अभी मटकाट रखी है ऊपर, अंदर देख हाँ। देख पा रहा ना, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है मटकाट के अंदर, ऊपर आओ इधर आओ। चलो पूरा साइलेंसर के साइड में ना पूरी मिट्टी मिट्टी पहले से ही थी, मतलब इन्होंने। फिर मैंने बोला भैया 2 घंटे हो चुके हैं, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, अभी तक तुमने मेरी बाइक को वॉश नहीं कर पाया। तो पता है बंदे का रिस्पॉन्स क्या था, भैया मेरे बंदे तो काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि बाइक इतनी ज्यादा गंदी थी। तो लड़के कह रहे थे अरे यार बहुत ज्यादा गंदी, हमसे ना हो पाएगा। अरे भैया गंदी थी इसीलिए तो धुलने थी, और धुलने के वही पैसे दिए थे, फ्री में नहीं धुली जा रही थी, और धुली भी क्या घंटा, ऐसे कौन धुलता है। और कह रहे कि आप 15-20 मिनट वेट करो, अभी हम पहुँच के पॉलिश करके दे देंगे। मतलब मिट्टी लग रही है गाड़ी के ऊपर, तुम उसे पूछ के पॉलिश करके दे दोगे, मतलब TVS वाले कब सुधारेंगे। बाइक तुम इतनी बढ़िया लॉन्च कर रहे हो और सारी गाड़ियाँ इतनी बढ़िया लॉन्च कर रहे हो, सर्विस के नाम पर कूड़ा है, एकदम कूड़ा। मैं सभी लोगों को बोलूँगा कभी भी TVS का कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना, तो उससे पहले ना सर्विस सेंटर में जाके देख लें क्या बुरा हाल है। मैंने यामा की बाइक भी चलाई है, मेरे पास FGS थी, सुजुकी की जिक्सर भी रखी हुई है मैंने, भाई साहब सर्विस वहाँ 1 नंबर मिल जाती है। रीजन है सेल्स, उनके प्रोडक्ट की सेल कम होती है तो वो लोग सर्विस पे कस्टमर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें अपनी कस्टमर की परवाह है। TVS भी पहले ध्यान देता था, बट अब इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बस उसे तो जैसे बताया ये चूतिया है, इसके पास बहुत सारा टाइम है, ये तुम्हारे पास ही चक्कर काटते रहेगा बस। लास्ट टाइम अभी मेरी स्कूटी खराब हुई, मैं स्कूटी भेजी, जैसे कि सपोज आज स्कूटी भेजी है तो इन्होंने बोला कल आके ले जा लेना, कल मैं शोरूम पहुंचाऊं, भाई साहब स्कूटी में हाथ तक नहीं लगा था, ऐसी कैसी खड़ी थी। बोले भैया हम चेक नहीं कर पाए, आज चेक करेंगे कल आ जाना। मतलब 3 दिन में तुम बंदे को चेक करके दे रहे हो कि भाई कमी क्या है, ये ऐसे सर्विस में काम नहीं करेगा। ऐसे ही आज हुआ, मेरे से बोले 20 मिनट रुक जाओ, मैंने बोला टाइम नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा भी नहीं मारा था, पानी की बूंदें पड़ी है गाड़ी के ऊपर, ले जा लो 80 रुपये पूरे ले लिए। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि इन्हें मतलब कस्टमर की परवाह नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात सबको बोलना चाहूँगा, जो भी TVS के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या खरीदने की सोच रहा है, दिवाली का मौका है, तो एक बार ना सर्विस सेंटर में झांक के देख लो। इनके पास बाइक बेचने के लिए, स्कूटी बेचने के लिए ना बहुत सारे रीज़न रहते हैं कि हमारी स्कूटी में ये है वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है फलाना है ढिमकाना है, बट सर्विस देखोगे ना परेशान हो जाओगे, रियली में परेशान हो जाओगे। मैं तो कसम से बता रहा, गलती कर दी TVS के प्रोडक्ट लेके, कसम से जिंदगी में ना TVS के प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदूंगा, चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट TVS का आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सच में स्कूटी से परेशान हुआ, इसका तो चलो ठीक है अभी टेक्निकल कोई इशू नहीं है, पर हाँ ठीक है साफ सफाई चलो तो मैटर नहीं करती, जहाँ आज गया था वहाँ कभी जाऊँगा नहीं सफाई कराने के लिए, वो बातें अलग है, बट इसका थोड़ा सर्विस का इशू रहता है, हर जगह सर्विस नहीं हो पाती है, जहाँ होती भी है वहाँ एक मैकेनिक मुश्किल से मिलता है सर्विस के लिए, अगर वो छुट्टी पे है या बिजी है तो आपको पक्का टाइम लगने वाला है।
तो चलो वो तो सब बात की बात है, बस अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। स्कूटी के साथ तो बहुत ज़्यादा खराब रहा है पिछले एक साल के अंदर, मैंने कभी बोला नहीं, नहीं चलो कोई नहीं हो जाता है टेक्निकल इशू, बट अब ना जब पानी ना बोलते सर से ऊपर हो जाता है तो बोलना ही पड़ता है। तो मेरा बस इतना ही था, अब आपकी मर्जी आप खरीदो ना खरीदो, बट मैं कभी ज़िंदगी में TVS के प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। हाँ, ब्लॉग शूट कर रहा था अपना, वर्कआउट दिखाना चाह रहा था और ये भसड़ फैल गई और TVS के बारे में वीडियो बन गया, बट चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस शेयर करना मेरा काम है। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, थोड़ी सी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गिव अवे वाली वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना, गिव अवे भी आप लोगों को मिल सकता है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, ओके बाय।